बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ मतलब इन्होंने एक करेंट एलिमेंट से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको बताया था। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये क्या है, ये करेंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, डीएल लेंथ का एक आई डी एल क्या हो जाएगा, इसमें डी एल लेंथ में आई करेंट गुण हुई तो आई डी एल क्या हो जाएगा, करेंट एलिमेंट। ठीक है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, पी का, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड आर। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल है, करेंट एलिमेंट डी आई डी एल एंड आर। ठीक है ना, तो जितने कि इन्होंने किस प्रकार बताया था, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू करेंट एलिमेंट आई डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट एलिमेंट। ठीक है, करेंट एलिमेंट आई डी एल Inversely on the square of the distance, दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के inversely proportional होता है। ठीक है, Directly on the sign of angle between the current element and the position vector r, ठीक है, मतलब b is proportional to sin theta, ठीक है, db is proportional to sin theta, ठीक है ना। तो इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू करेंट एलिमेंट आई डी एल आई डी एल एट ए पॉइंट हैविंग अ पोजिशन वेक्टर आर रिलेटिव टू करेंट एलिमेंट, किससे बनेगा, एंगल करेंट एलिमेंट से, इज फाउंड टू डिपेंड डायरेक्टली ऑन द करेंट एलिमेंट। ठीक है, इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन किसके बीच की हो जाएगी, आई डी एल डी एल और पी के बीच की, बी टू बन अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है उसका। डायरेक्शन ऑफ द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द करेंट एलिमेंट एंड द पोजिशन वेक्टर आर, मतलब डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इसको यार डी डी लगा लीजिए। ठीक है, डी बी स्मॉल एलिमेंट है ना, टोटल नहीं है, तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सबको यहाँ सभी को एक साथ मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो क्या इस प्रकार बन जाएगा, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे इक्वल टू लगाए तो एक कांस्टेंट आएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी है, फोर पाई आप जानते ही है। ठीक है, ये बन गया बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ। इसका वेक्टर फॉर्म कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर बाई, डी पे तो वेक्टर लगा दिया तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगा देंगे आर डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप, जब हम आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो कैप इधर आ गया, कैप इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जब हम आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर होता है, ये वेक्टर आर और अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो गया, आर क्यूब, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, जो भी एग्जाम में आता है कभी कभी डायरेक्ट, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करेंट आई एट इट्स सेंटर। ठीक है, मतलब एक करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, दो करेंट फ्लो हो रही है इसमें, इसके सेंटर पर इस करेंट कैरिंग लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट आई डी एल, आई डी एल करेंट एलिमेंट मान लिया छोटा सा, एस ऑन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई होती है, आई डी एल साइन
90 डिग्री। 90 क्यों हो गया, क्योंकि जो आर और करेंट एलिमेंट क्या होगा, टेंजेंशियल है यहाँ पर, तो हमेशा 90 का एंगल बनता है, तो 90 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये किस कारण हो गया है, स्मॉल करेंट एलिमेंट के कारण। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये सभी कॉन्स्टेंट हैं, डी एल बाहर गया, तो उस जो सर्कल है हमारा, इसका टोटल आइडियल सॉरी डीएल कितना होगा, 2 पाई आर, उसकी सरकमफेरेंस जो इंटीग्रेशन करेंगे डीएल को, मतलब सम करेंगे टोटल डीएल का, तो कितना आएगा 2 पाई आर, वैल्यू पुट करें तो बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन आई अपॉन 2 आर, ठीक है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, जब एक कॉयल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। कहीं कहीं आपको म्यू जीरो आई अपॉन 2 ए भी मिलेगा, ए मतलब रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है, म्यू नॉट परमेबिलिटी और आई क्या हो गया करेंट इन द सर्कुलर लूप, ठीक है। कितना सरल है, देखो कुछ नहीं करना है, बाय और सावर्ट ला में हमें साइन थीटा की जगह साइन 90 पुट कर देना है, उसके बाद फिर डी एल का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 2 पाई आर आएगा, और 2 पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स बी इक्वल टू म्यू नॉट एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन आई हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा एन आई, ठीक है। तो इतना हो गया अपना बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर एन टर्न्स के लिए और एक लूप के लिए, ठीक है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।